अब कुछ बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं, मजीद 30 शहरियों की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। वायरस का शिकार डिप्टी सेक्रेटरी महकमा कानून मुख्तार अहमद वफात पा गए। वबा से बच्चे भी खतरनाक हद तक मुतासिर, कोरोना के शिकार 18 बच्चे चिल्ड्रन हस्पताल में जेर इलाज हैं, एक की हालत तश्वीशनाक है। 1708 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल की अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई, पी के अलाय में जेर इलाज हैं। लेस्को के मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन भी कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं, मजीद 30 शहरियों की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। वायरस का शिकार डिप्टी सेक्रेटरी महकमा कानून मुख्तार अहमद वफात पा गए, जबकि वबा से बच्चे भी खतरनाक हद तक मुतासिर होने लगे। कोरोना के शिकार 18 बच्चे चिल्ड्रन हस्पताल में जेर इलाज हैं, एक की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 1708 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल की अहलिया भी कोरोना का शिकार हो गई, पी के अलाई में जेर इलाज हैं। लेस्को के मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सिलसिला भी जारी है, जबकि शहरियों को इस हवाले से तंबीह भी की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, जबकि सामाजिक फासले का भी ख्याल रखें। इस हवाले से पुलिस भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, मुख्तलिफ मकामात पर नाके भी लगाए गए हैं जहाँ पर शहरियों को मास्क पहनाया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी चालान किए जा रहे हैं। बाइक पर सवार लोग और गाड़ियों में जहां पर सामाजिक फासला बरकरार नहीं रखा जा रहा, उन लोगों को जुर्माने भी किए जा रहे हैं।